जारी। नमस्कार दोस्तों, कोटा टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम जमशेदपुर संवाद कार्यक्रम में आए हुए हैं 2019 के। अभी हमारे साथ एक भाई है, उनके साथ बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है कोटा टाइम्स के। और आपका सुना? मेरा नाम सुरेश अंका है और मैं फिलहाल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात गांधीनगर में PhD कर रहा हूँ, सोसाइटी एंड डेवलपमेंट। जी सुरेश जी, जैसा आप उड़ीसा से हैं और आप जिस ट्राइब से हैं, जिस जनजाति से हैं, वहाँ की परंपराएं होगी, वहाँ का रहन सहन होगा, मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा। जरूर, एक्चुअली जितना भी ट्राइबल कम्युनिटी है, हर ट्राइबल कम्युनिटी का अपना अपना खुद का पहचान होता है और अपना अपना कम्युनिटी का खुद का रहन सहन और खुद का परंपराएं तो होते ही जरूर। और हमारा कम्युनिटी बात ये है कि हम धीरे धीरे हम खुद को सोच रहे हैं कि हम डेवलपमेंट के ओर बढ़ रहे हैं और डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन मैं आज ये जो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी PhD कर रहे हैं आप, हाईली क्वालिफाइड, मैं खुद को कहीं ना कहीं सोचता हूँ ये जो फॉर्मल एजुकेशन, जो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन लर्निंग कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर जो नॉलेज होता है, कल्चर, हमारा जो परंपराएं, हमारा जो इतिहास, जो रहन सहन को लेके, वो मैं अभी फील कर रहा हूँ कि मुझे और जैसे कि प्राइमरी स्कूल से शुरू होता है और मुझे और सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा कल्चर, हमारा परंपराएं का और जो आदिवासी इतिहास का, हमारा उनका इतिहास क्या है, तो इसलिए सीखना जरूरी है। और एक बात बताऊं कि मैं कौन कम्युनिटी से बिलोंग्स करता हूँ, कौन कम्युनिटी है उड़ीसा का सबसे पॉपुलर ट्राइबल ग्रुप। 2011 सेंस 2011 जनगणना के तहत इसका पॉपुलेशन है करीब 14,95,000 समथिंग, और फिलहाल वो 20 लाख से ज़्यादा होगा। और जो उड़ीसा का नाम जो था, तो पहले कलिंग था, कलिंग के बाद उड्रो था, उड्रो के बाद उत्कल, अभी उड़ीसा है। तो मैं कहीं कुछ आर्टिकल पढ़ा हूँ कि कलिंग जो नाम था, तो हम अभी जो कोंड लोग का जो लैंग्वेज है हमारा, तो हम कुवी लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है, तो कुवी लैंग्वेज यूज करते हैं। तो मैं कुछ लिटरेचर में पढ़ा कि कलिंग जो वर्ड है वो कुविंग से आया हुआ था। तो हमारा जो कोंद जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ कि मैं कोंद ट्राइब से, जब मैं कुछ लिटरेचर पढ़ा, पढ़ने के बाद मुझे लगा कि एक्चुअली रियली कोंद हमारा ट्राइब का नेम नहीं है, हमारा ट्राइब का नेम है कुवी। और अभी भी अगर जाके हमारा कम्युनिटी लोगों का अगर पूछोगे कि आपका कम्युनिटी क्या है, कौन सा आदिवासी समुदाय से है, उन लोग बोलेंगे हम कुवियाँ हैं, कुविंग है, ठीक है। तो बात यह है कि कहीं ना कहीं, पता नहीं, वो रिसर्च करने की बात है, गवेषणा करने का ज़रूरी है कि कौन कहाँ से ये टर्म, कौन का शब्द आया और कुविंग लोग के अंदर ये तोहफा दिया गया। तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे अनुभव हो रहा है, इसलिए ये जो कौन टर्म तोहफा गया, तो ज़बरदस्त हमारा जो कुवी कम्युनिटी के ऊपर तोहफा दिया गया है कि जो कुविंग टर्म से कलिंग आया था। यहाँ पर सूरज जी ये जानना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारे समुदाय होते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक कई तरह की रस्में निभाई जाती है, पर ये कहने की छोटे छोटे मूवमेंट या फिर प्रसंग होते हैं, जैसे जब बच्चे का जन्म होता है तो कुछ प्रक्रिया अपनाई जाती है, शादी के समय तो सारी प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो क्या क्या ऐसी परंपरा को फॉलो किया जाता है आपके समुदाय में? जब जन्म होता है तब, मृत्यु होते तब क्या होता है, शादी होते तब क्या होता है? देखिए, बच्चा होने के बाद तो करीब 3 दिन तक, शायद पूरा तो इतना डीप नॉलेज नहीं, इसलिए पहले से बोल रहा था कि मुझे भी एक जैसे प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट के तरफ और दोबारा हमारा कम्युनिटी का डिटेल्स, रिचुअल्स वगैरह सीखना चाहिए। मेरे को जितना जानकारी है वो बताना चाहूँगा मैं।
कि जो जन्म होने के 3 दिन तक तो एक्चुअली हमारा कम्युनिटी में कि तो जन्म हुआ है 3 दिन तक तो वो घर घर का किनारे पे रहेगा माँ, ठीक है। 3 दिन के बाद जब उधर थोड़ा रिचुअल से उनको हमारा जो रिचुअल से जो गांव में होते हैं जो लेडीज लोग होते हैं गुरुमाई कहते हैं उसको, तो उन लोग हमारा रिचुअल से हिसाब से उनको पूजा पाठ किया जाएगा। और जब 1 महीना या 2 महीना ऐसे 1 महीना 2 महीना ऐसे कुछ ऐसे कुछ स्पेसिफिक नहीं है, जब अपना फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि जब नामकरण करते हैं या ये करते हैं उसी टाइम तो हमारा परंपरा में तो आदिवासी परंपरा अभी तक भी है कि महुआ तो ये करते हैं, महुआ इसलिए यूज करते हैं पी के तो नशा होने के लिए नहीं, तो परंपरा यह है कि महुआ को ये करके अपना दादा नानी दादी को याद करते हैं। हमारा परंपरा है कि जब दादा नानी दादी को याद करते हैं तब तक थोड़ा सा उनको उनके लिए तो बूंद टिपाते हैं कि उनको नाम याद करके, और जो नया बच्चा पैदा हुआ है तो वहाँ कहा जाता है कि ना हमारा नया बच्चा आया है, तो आप लोग जो बुजुर्ग लोग जो गुजर गए हैं उन लोग जो गुजर गए हैं लेकिन उनका आत्मा तो घूमता है चारों हमारा चारों तरफ है हमारा साथ है ये मानते हैं, तो नया फैमिली मेंबर से एक आया है तो इनका आपका आशीर्वाद रहना चाहिए, और कहीं भी बच्चा जाएगा उनके साथ आपका उनके साथ रह के उनको क्या प्रोटेक्शन करना चाहिए, ये करके तिपाया जाता है। और आज ये फ्रेशर थोड़ा तो लेते भी है ऐसे परंपरा। और शादी सगाई इसमें क्या होता है? हाँ, शादी के बाद अगर मैं बोलूँ कि अभी अगर किसी लड़के को शादी कर रही है तो कैसे क्या प्रोसेस मतलब शुरू होता है सबसे पहले? नहीं देखिए, अगर शादी के बात करें अगर 15-20 साल पहले की बात हम अगर हम करेंगे तो उसी टाइम तो ज़्यादातर माँ बाप ही फाइनल करते थे, इसे नहीं कि जबरदस्त माँ बाप फाइनल करते थे, माँ बाप देखते थे तो बच्चे को पूछे कि काम इसको ये करना है बाप के लिए सगाई करना है, तो बच्चे अगर हूँ करता तो गोद की तरफ से बातचीत करके ठीक करते थे। और ज़्यादातर चाइल्ड मैरिज भी था प्रथा था, तो अभी एजुकेशन डेवलपमेंट हो रहा है तो उसी के हिसाब से वो धीरे धीरे कम रहा है, फिर भी अभी भी कुछ एरिया है साउथ उड़ीसा का नारायणपटना ब्लॉक है बंधुमे कस्टम इसमें क्या फॉलो किया जाता है, जैसे बच्चे के जन्म के समय महुआ और वो पूजा तो शादी सगाई इसमें क्या? हाँ, नहीं शादी सगाई में भी अभी देखिए तो हमेशा जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम सोसाइटी में हम हैं जो बोल रहे हैं ना, वो लोग का जो अंदर जो सोच बैठा हुआ है कि आदिवासी लोग जो महुआ यूज करते हैं तो नशा होने के लिए पीते हैं और एंजॉय करने के लिए पीते हैं, ये कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट ये है कि मैं पहले से बता रहा था कि जब भी कुछ शुभ काम के लिए ये करते हैं कि उसको आज एक प्रसाद जैसे यूज करने के लिए यूज करते हैं उसको। जो शादी के टाइम भी जब दोनों पक्ष जो लड़की और लड़का का पक्ष बैठते हैं उसी टाइम भी उसी क्या महुआ का बूंद बूंद टिपा के बोलते हैं कि अपना दादी नानी दादी जितने भी डेथ हुए होंगे उनको ये करते हैं, आप एक शुभ काम करने जा रहे हैं तो आपका मदद हमेशा आपका आशीर्वाद हमारा ऊपर रहना चाहिए। तो ऐसे ही होता है हर जगह पे जब भी कुछ शुभ काम करते हैं, इसलिए हमारा मंदिर मस्जिद जाना ये नहीं है, हमारा तो दादा नानी दादी लोग का उनको ही भगवान मानते हैं और बस ऐसे ही ये करते हैं। आपके साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, अभी आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आदिवासी कम्युनिटी में बहुत चीज़ तो है जो कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी हमसे सीखना चाहिए, और कुछ भी ऐसे कुछ परंपराएं हैं वो परंपराएं एक्चुअली एक्सटर्नल सोसाइटी मतलब मेन स्ट्रीम सोसाइटी से कुछ चीज़ें ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर घुस रहा है, जो चीज़ की ट्राइबल कम्युनिटी को अंदर जो एकता है उसको खराब कर रहा है,
उससे हमको बच के रहना पड़ेगा। हमारा कम्युनिटी का जो सोच है, जो विजन है, उनको बचा के रखना चाहिए। तो हम खुद दूसरों को तो सुनेंगे जरूर, लेकिन पहले आपका आत्मा का, आपका खुद का क्या भाव, खुद का आत्मा क्या बोल रहा है, तो उसी के हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा। और हमारा कम्युनिटी का जो भी रीति रिचुअल्स है, जो सोसाइटी के लिए अच्छा है, हाँ, आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए अच्छा है, वो बचा के रखना जरूरी है। और यंगर जनरेशन जो आ रही है, उनको भी ये चीज़ सिखाना जरूरी है। और सबसे बड़ा बात ये है कि परंपरा, कल्चर, संस्कृति को बचाएंगे जरूर, लेकिन मेरा लास्ट मैसेज ये देना चाहूँगा कि जितना हो सकता है हम एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और जितने भी पढ़ रहे हैं, खास करके जो भी रिसर्च कर रहे हैं आदिवासी लोगों के ऊपर, ज़्यादातर आदिवासी लोग नहीं थे, अभी थोड़ा बहुत रिसर्च हो रहा है, आदिवासी लोग कर रहे हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितना भी यंगर जनरेशन जो यूनिवर्सिटी लेवल पे मास्टर्स या पीएचडी डिग्री कर रहे हैं, अपना कम्युनिटी के ऊपर करें, अपना कम्युनिटी के इतिहास जानें, क्योंकि जिस कम्युनिटी या जिस ग्रुप का इतिहास जितना स्ट्रांग है, उनका भविष्य उतना ही शानदार होगा, ये बिलीव करता हूँ। और हमारा इतिहास को जानने के लिए कोशिश करना जरूरी है, और हमारा इतिहास को डॉक्यूमेंटरी करके लिखित रूप से रखना चाहिए, यही मेरा रिक्वेस्ट है। दोस्तों, हमारे साथ है सुरेश उड़ीसा से, और इसी के साथ हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। आप इसी तरह बने रहिए आपके अपने दोस्त विनोद के साथ। नमस्कार।